बीजेपी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को कई धर्मों के भगवान से जोड़ा था। शिवजी की फोटो में मुझे कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दिया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूँ। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। इस बयान पर राहुल फंसते दिखे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि ये न सिर्फ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के भी खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी नेता को धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए। चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत में बीजेपी ने कहा है, राहुल गांधी ने धर्म से जुड़ी बात करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चिन्ह हाथ को शिव, गुरु नानक, बुद्ध, इस्लाम और महावीर से जोड़ा था। इस तरह उन्होंने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी। शिकायत में कहा गया है, चूंकि कांग्रेस ने राहुल के बयान से खुद को अलग नहीं किया है और यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए हाथ सिंबल कांग्रेस से छीनकर उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया जाना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने यह बयान जानबूझकर कांग्रेस को लोगों की धार्मिक भावनाओं से जोड़ने के मकसद से दिया है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।